स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है मानव प्रताप सिंह जी ने, और वीडियो का टाइटल है बवा प्रैंक कॉल टू पाकिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड कप स्पेशल बवा CWC यानी कि क्रिकेट वर्ल्ड कप 19। चलें देख लेते हैं ये प्रैंक। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा हमारे ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं वीडियो। नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। सलाम वालेकुम। आपने बोला वालेकुम अस्सलाम, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हुकूमत हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत यानी कैपिटल सिटी दिल्ली से मैं बउआ फ़ोन लगाने जा रहा हूँ, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में, सॉरी हुकूमत पाकिस्तान में। पड़ोसी मुल्क में फ़ोन लगा कर हिंदुस्तान से फ़ोन है। हेलो, सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत है जनाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। आप बताइए खैरियत से हैं? किससे हैं आप? खैरियत से हैं जनाब? अच्छा, हम तो खैरियत से हैं। मैं माफ करिएगा, मैं पहचाना नहीं आप। हुकूमत हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली शहर से बउआ नोस फरमा रहे हैं जी। सलाम वालेकुम और एक बार। वालेकुम अस्सलाम, नोस फरमा रहे हैं बउआ जी। मुसलसल अमूमन जी, बाकायदा बेखौफ ज़दा बेपनाह अक्सर जालिम लाहौल बुलाकुत। बउआ साहब, आपकी जो उर्दू है वो मुझे थोड़ी सी मेरे ऊपर से चली जा रही है। आपके अल्फाजों से ना विदेशी बदबू आ रही है। अच्छा। आप चाहें तो अपनी नॉर्मल जबान में बात। बदबू तो आपकी उस एडवर्टीजमेंट से भी आई थी जनाब, माफ करिएगा। लाहौल बुलाकुत अच्छी तो एड बनाई है आपने, अभिनंदन वाली, क्रिकेट से पहले, मैच से पहले। जी शुक्रिया। पर दो चार पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, जिसे अगर आप और आपकी आवाम जी अगर अपने जहन में उतार ले तो मुसलसल अमूमन खौफ ज़दा बेखौफ बेपनाह हो जाएगा मोहब्बत। जनाब आप मुझे कोई फिल्मी राइटर लग रहे हैं। नहीं, आपने अपना तारुफ नहीं करवाया। बोल चुका हूँ मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे दो मिनट चाहिए। जी 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 बोलिए। तो आपसे बस मैं ये कह रहा था कि उर्दू अलग है, मैच से पहले आप कुछ चंद बातों का अगर ध्यान रख लें जी। तो जैसे आपका देखिए एड तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बना है, जो अभिनंदन का बहुत कप वाला जो है इसे सुनिए। अंतरिक्ष में लोग पार कर चुके हैं, अंतरिक्ष जानते हैं ना, ब्रह्मांड। यू मीन जी जी जी, आई गॉट इट। ओ इंग्लिश, पाकिस्तानी इन इंग्लिश। ओ माय गॉड, दो रुपए का और बोलिएगा जनाब, माजरत चाहूंगा जनाब। मैं कह रहा था कि अंतरिक्ष लोग पार कर चुके हैं कई देश जी जनाब, और आप अभी भी बॉर्डर पार करना चाह रहे हैं जनाब। बॉर्डर हम पार नहीं कर रहे हैं, बॉर्डर आप लोग पार करके आते हैं। सुनिए एक और सुनिए, मुसलसल एक और सुना देता हूँ मैं आपको। मंगल ग्रह पे पानी मिल गया है आवाम को। कौन से ग्रह पे? मंगल, मार्स। मंगल पे लोगों को पानी मिल गया, आपको अच्छा बैट्समैन नहीं मिल पाया, लेकिन एड माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बना आप लोगों ने। हेलो, इस तरह से बातचीत नहीं होगी ये का भाई साहब। यार मतलब मुसलसल अमूमन खौफ ज्यादा, एक दफे और माजरत चाहूंगा, फोन लगाऊंगा फिर से और एक दफे। वालेकुम अस्सलाम जी जनाब, बोलिए। दोबारा आपको एक दफे और आपसे मुसलसल थोड़ी गुफ्तगू करने की माजरत चाहूंगा, आपने फोन काट दिया भाई साहब। जनाब मोहतरम, मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, पर जरा नजाकत से बात करें। वैसे ही कि आपकी पोशी हिंदुस्तान आकर के करूँ? नहीं, एक मिनट सुनिए, मैं माजरत चाहूंगा, एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप लोग टॉस जीते ना भाई साहब जी अंकिल, तो टॉस के बाद अंपायर से वो सिक्का वापस ले लें, पता है क्यों? क्यों? आपकी GDP में इजाफा होगा जनाब। आप हमारी GDP की फिक्र ना करें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी GDP बहुत ऊपर तक जा रही है। बस एक आखिरी और कहना चाहूंगा कि पता है आपको पाकिस्तान बना ही क्यों था हिंदुस्तान से? जी हम ताकि हिंदुस्तान वर्ल्ड कप पर दो पॉइंट आपसे यूं ही ले ले। अरे रखिए सुनिए, एक आखिरी, वो जो आपने उसमें कप एक कप जो आपने यूज किया है एड में, अरे नहीं मेरे को पता है वो कप बोन चाइना का नहीं है, चाइना का है, क्योंकि आपने सारे कुछ तो चाइना से ही ले रखा है भाई साहब। जिस फोन से मैं बात कर रहा हूँ ना वो भी अल्हम्दुलिल्लाह चाइना। बहुत बढ़िया है, रखिए आपका सब कुछ चाइना का है। मुसलसल अमूमन बेखौफ खौफ ज्यादा, बदतमीजी मत करिए भाई साहब। लाहौल बिलाकुत।
हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत से मैं आपको सलाम ठोक रहा हूँ, हम ही जीतेंगे कप, ठीक है? आपका एड अच्छा है, वही वाला कप रखिए आप लोग। जनाब आप क्यों सुनना चाह रहे हैं? जनाब आप क्यों सुनना चाह रहे हैं? जी जी कहेगा जी, अब रखिए जी। तो माजरत चाहूंगा, मुसलसल यकीनन हम मैच जरूर जीतेंगे और वो कप वाले ऐड का बदला हम जरूर लेंगे। वैसे तो वर्ल्ड कप में हम कभी हारे नहीं है, पर ये बहू अगर आपको अच्छा लगा तो इतना फैलाओ कि पाकिस्तान में भी कोई बंदा अगर अपने व्हाट्सएप पर देखे तो मुस्कुरा के कहे लाहौल बिलावल, मजे ही आ गए बहुआ भाई। आप कमेंट सेक्शन में जय हिंद भी लिख सकते हैं, बड़ा मजा आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बजाते रहो। इस कॉल की अगर बात करें तो मुझे समझ नहीं लगी कि वाकई में कॉल सच में पाकिस्तान की गई थी या ऐसे ही हमें भी पागल बनाया जा रहा है। थोड़ी कंफ्यूज हूँ कि वाकई में कॉल क्या वो करते हैं पाकिस्तान में, या फिर मतलब वो ऑलरेडी पता होता है, या मतलब मुझे लगता है कि शायद करते हो यार। या मुझे नहीं मालूम, क्योंकि अगर देखो अगर मान लो कि जैसे कोई कॉल करता भी, सबसे पहली बात जब कॉल किसी ने उठाया तो बोला कि हिंदुस्तान से कॉल आ रही है, या ये भी हो सकता है कि उनके रिलेटिव्स रहते हो, क्योंकि वो भी उर्दू स्पीकिंग लग रहे थे, मुझे लगता है कराची के लोग में भी हो सकता है, क्योंकि कराची में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो के मतलब जिनके रिलेटिव इंडिया यानी कि नहीं, वैसे पंजाब में भी है, इनके ऑल ओवर पाकिस्तान में जो है लोग उनके बहुत सारे रिलेटिव्स इंडिया में रहते हैं, हाँ, लेकिन वो उर्दू स्पीकिंग लग रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे मेरे लाहौर में बहुत कम लोग देखे हैं मेरे हाल में मौजूद जो के इंडिया में भी जिनके रिलेटिव रहते हैं, सीरियसली मतलब मेरे जानने वालों में वैसे कोई नहीं है। हमारे एक किराएदार हैं, उनके रहते हैं, हाँ बिल्कुल, जिनको हम लोगों ने रेंट पर एक जगह दी हुई है उनके, बस मुझे पता है कि रिलेटिव्स रहते हैं, बाकी मैं कह रही हूँ जो हमारी सोशल एक मीटिंग होती है डिफरेंट लोगों के साथ उनमें किसी की भी नहीं है। अब तो हमारा तो मिलना जुलना है एनीवे। तो गाइस बात करते हैं आज की वीडियो की, तो बब्बा के जो सबसे मजे का पॉइंट मुझे पता कौन सा लगा, सिक्के वाला, वो एक ऐसा था मेरी हंसी निकल गई उसमें। अच्छा मुझे यहाँ पे थोड़ा डाउट हुआ कि मोस्टली अगर यहाँ पे लोगों की बात करें ना तो उन्हें जीडीपी का इतना ज्यादा आइडिया नहीं होगा कि जीडीपी क्या होती है, लेकिन जिन्हें इन्होंने कॉल की थी उन्हें जीडीपी का आइडिया था। ये भी तो हो सकता ना उनको आइडिया हो जीडीपी का, जरूरी नहीं हर बंदा ही एक जैसा है। ओहो मैं ये कह रहा हूँ उन्हें आइडिया था तो ऐसा लग रहा है मुझे, जिस पॉइंट से लग रहा हूँ ये कि देखो अगर कोई ऐसे प्रैंक कॉल मुझे भी करे कोई, मान लो अगर कोई करे तो अगर वो इस तरह की बात करे ना तो मैं तो फोन बंद कर दूंगी, अगर दूसरी मरतबा आएगा तो मैं तो ब्लॉक कर दूंगी क्योंकि मैं जानती नहीं हूँ, ठीक है ना। तो मुझे ये था कि वो इतनी लंबी बात करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, तो वो वाली चीज जो थी ना मुझे वहां से लग रहा था कि हाँ कि पहले से शायद इनको पता था या कॉल करनी थी, तो वो चीज मुझे समझ में नहीं आई। हाँ वैसे ये चीज है ना, यू नो प्रैंक कॉल्स हमने और भी सुनी हुई है, तो लोग करते हैं लंबी लंबी बातें करते हैं। इससे पहले एक दफा मैं एक प्रैंक कॉल सुन रहा था, वो जो है ना बंदे ने उसके फोन के सिग्नल सही नहीं थे आ रहे, तो उसने जो है ना नेटवर्क वालों को कॉल करके कहता मैं आपके टावर के नीचे खड़ा हूँ, यहाँ पे भी सिग्नल सही नहीं आ रहे। अच्छा ये प्रैंक हो रहा था, फिर उन्होंने क्या बोला? कुछ नहीं, वो बेचारा कस्टमर सर्विस वाला क्या करता, तो बड़े अच्छे तरीके से बात कर रहा था। ऐसे भी तंग नहीं करना चाहिए, बट खैर यहाँ पर हम बब्बा जी को कहेंगे कि आपका मैसेज पाकिस्तान आ गया है, लाहौल बला को था, बहुत मजा आया है सुनने का, और सीरियसली जिस तरीके से वो खालिस उर्दू बोल रहे थे ना, वो हम लोग को भी नहीं पता चला दिल्ली के हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली से, पता नहीं क्या क्या वर्ड बोल रहे थे, खैर मुश्किल वर्ड थे, आसान वर्ड, यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग यहाँ पर जो उर्दू बोलते हैं ना ये पंजाबी उर्दू और पता नहीं कौन कौन से सारे लैंग्वेज मिक्स होकर हम लोग बोलते हैं। हमारी जो यहाँ पे बोली जाती है ना उर्दू जो बोली जाती है, खासतौर पर हम लाहौर की बात करें यहाँ पे आपको उर्दू इंग्लिश और पंजाबी वाली जो है वो मिलेगी, यानी कि इसे आम जुबान में गुलाबी उर्दू भी कहा जाता है। मौसम दौर पे की और इंग्लिश बोल उर्दू कौन सी बोलते हैं, गुलाबी उर्दू। हाँ लेकिन ये जो हिंदुस्तान की उर्दू है जो इंडिया में बोलते लखनऊ की, लखनऊ की, वो वाकई में इतनी खालिस, और लहजा भी डिफरेंट होता है और बोलने का स्टाइल भी मतलब उस तरह से नवाबी लहजा, हाँ नवाबी लहजा होता है ये हम बोल सकते हैं। वेल गाइस ओवरऑल काफी मजा आया एंड आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा, आप लोगों ने पहले आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने देखा होगा इसको, लेकिन ये कि मुझे लगता है कुछ वीडियोस और कुछ प्रैंक्स ऐसे होते जो आप हमेशा देखो तो आपको मजा आता है। बिल्कुल। एनीवे गाइस इसी के साथ हमें इजाजत, हमारी वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीप अस इन प्रेयर्स, गुड बाय।